जालना के चंदन जीरा इलाके के रहने वाले कस्तूराबाई बलवंत गायकवाड़ अपने परिवार सहित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पिछले 40 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी थी, लेकिन प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते कस्तूराबाई का निधन हो गया। दरअसल कस्तूराबाई ITI के सामने वाली जगह को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है, लेकिन ITI के प्राचार्य उक्त महिला के परिवार को इस स्थान पर आने से मना करते हैं और जाति सूचक गाली देते हैं। ITI के प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर 18 नवंबर से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ये वृद्ध महिला भूख हड़ताल पर बैठी थी, लेकिन प्रशासन ने अनशन की कोई सुध नहीं ली और 40 दिन बीत जाने के बाद पूर्व सैनिक की पत्नी का निधन हो गया। महिला के निधन के बाद प्रशासन हरकत में आया और संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। आता घटना अशी घडली की माझी सासू इथं आली, मला भेटायला 2-3 दिवसानं सारखी यायला लागली। काल माझी सासू उपोषण मध्ये आली, माझी सासू इथं 6 वाजता तिनं प्रवास सोडून द्याला। आता सोडून दिल्यावर आम्ही चौघे जण इथं होतो, मथरीला हलवा लागत, मथरी हलवणं नाही, आम्ही लगेच जालना हॉस्पिटलला घेऊन चालत। साऱ्याला मला लागलं मथरीला काय झालं पहा पहा म्हणून, सरी आमची परिस्थिती चांगली नव्हती, आम्ही चौघ्या जण इथं होतो म्हणून मथरीला पहा लागले, बोला लागले। मथरीनं डोळे सुद्धा उघडले नाही, मथरी एक शब्द सुद्धा बोलली नाही। आम्ही तशीच मथरीला घेऊन सनी तरी वापस गेलो आम्ही। काय नाव होतं तुमचं?